हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बेन जॉन्स प्रोटीन। ये बेन जॉन्स प्रोटीन से दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन जो दोस्तों हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको दोस्तों बेन जॉन्स का जो प्रोसीजर यहाँ पे मालूम नहीं होता है, तो उनके लिए भी जो लैब में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बेन जॉन्स प्रोटीन क्या होता है, किस कंडीशन में शो होता है, ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप से हम इसका प्रोसीजर भी फॉलो करेंगे कि आप बेन जॉन्स प्रोटीन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रोसीजर से, तो वो पूरी सारी डिटेल आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक आसान भाषा में। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों कि बेन जॉन्स प्रोटीन होता क्या है, तो बेन जॉन्स जो प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में इसको BGP के नाम से भी जानते हैं, एक लाइट चेन होती है इम्यूनोग्लोबिन की। आप इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, ये क्या होती है, एक लाइट चेन होती है, लाइट चेन्स, वो भी किसकी, इम्यूनोग्लोबिन। अब ये इम्यूनोग्लोबिन में दोस्तों आपने सभी ने देखा होगा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबिन, जिनको एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, तो 5 टाइप्स की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। उन एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस तरह बाय शेप का दोस्तों ये हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो जिसमें से हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं 4 टाइप्स की जो चेन से मिलकर बनी होती हैं, तो यहाँ पे 2 इसमें लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। तो देखो, ये नीचे वाली जो 2 बड़ी चेन्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये चेन और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोस्तों कैसी हैं, ये हैवी चेन्स हैं। कैसी हैं ये हैवी चेन्स हैं, और ये ऊपर की दोस्तों आपको यहाँ पे दिखती हैं वाई शेप में, ये स्ट्रक्चर आपने सुना होगा और देखा होगा कि 2 लाइट चेन इसमें दी गई हैं। तो यही दोस्तों हम बात कर रहे थे, बेन जॉन्स जो प्रोटीन होता है, BGP जो प्रोटीन होता है, ये दोस्तों ये लाइट चेन्स होती हैं इम्यूनोग्लोबिन की, यानी एंटीबॉडी की, सिर्फ ऊपर वाली ये लाइट चेन्स होती हैं। और इनको दोस्तों हम मोस्टली जो लाइट चेन या तो कप्पा होती है या लैम्डा, जिनको हम K से या लैम्डा जो साइन होता है इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और ये ऑब्जर्व किस कंडीशन में होंगी, यानी जो लाइट चेन्स हैं इम्यूनोग्लोबिन की दोस्तों किस कंडीशन में होंगी ऑब्जर्व, हमको यूरिन के अंदर ये दोस्तों ऑब्जर्व होंगी, जो केस ऑफ प्लाज्मा सेल कैंसर, जो प्लाज्मा सेल कैंसर होता है जिसको हम मल्टीपल मायलोमा के नाम से भी जानते हैं, इस मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन में दोस्तों ये हमको ऑब्जर्व होता है BGP या बेन जॉन्स प्रोटीन। दोस्तों इसको बेन जॉन्स प्रोटीन ही हम क्यों कहते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा, तो क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वाई हेनरी बेन जॉन्स ने किया था 1847 में इसको इन्होंने डिस्क्राइब करने के कारण इन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम बेन जॉन्स प्रोटीन यहाँ पे पड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बेन जॉन्स प्रोटीन का सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, तो हेनरी जो बेन जॉन्स थे, इन्होंने 1847 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने डिस्क्राइब किया था। बेन जॉन्स जो दोस्तों हमको प्रिंसिपल भी यहाँ पे जानकारी होने चाहिए, एक किस प्रिंसिपल पे दोस्तों ये ऑब्जर्व होता है या किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो बेन जॉन्स प्रोटीन, जिसको BGP के नाम से हम जानते हैं, यूजली ये सॉल्युबिलिटी होती है प्रॉपर्टी, यानी ये सॉल्युबल नेचर का होता है, यानी वाटर में दोस्तों ये सॉल्युबल होता है, लेकिन इसको एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जब भी हम इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये हमको प्रिसिपिटेट होता है, यानी हमको प्रिसिपिटेशन ये शो करता है। और जैसे ही दोस्तों 60 डिग्री से अगर हम इसको 100 डिग्री पर दोस्तों ये
कैसा हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। 60 डिग्री पे तो हमको प्रेसिपिटेशन शो करेगा, लेकिन इसको अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों इसको हीट करें तो ये कैसा है, डिसअपेयर हो जाएगा। जो भी हमको प्रेसिपिटेशन शो हुआ था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसअपेयर हो जाएगा, और दोस्तों रूम टेम्परेचर भी ये हमको डिसअपेयर रहेगा। लेकिन ये सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमको क्या होता है दोस्तों, ये प्रेसिपिटेशन शो करता है। तो इसी प्रिंसिपल पर दोस्तों ये बेस होता है कि बीजीपी जो यूजली सॉल्युबिलिटी नेचर का होता है, रूम टेम्परेचर पे भी आपको सॉल्युबल मिलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दोस्तों जो सॉल्युबल रहेगा, और 60 डिग्री पे ही सिर्फ ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे शो करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें बीजीपी यानी बेन जोन्स प्रोटीन लगाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमको यूरिन, या तो मॉर्निंग की यूरिन जो दोस्तों नॉर्मली होती है वो हमको ले लेना है, या फिर जो 24 घंटे की यूरिन यानी 24 आवर्स की यूरिन भी दोस्तों हम इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत होती है। स्प्रिंट लैंप हम इसमें यूज करते हैं, स्प्रिंट लैंप की जगह वाटर बाथ भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एसिडिक एसिड इसमें यूज होगा और नाइट्रिक एसिड, ये दोस्तों दोनों दो केमिकल आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेन जोन्स प्रोटीन में कौन कौन से केमिकल हम यूज करते हैं। तो एसिटिक एसिड यूज करते हैं और नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड हम इसमें यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, बेन जोन्स प्रोटीन को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में दोस्तों आप लेना है, और टेस्ट ट्यूब में 5 ml आपको यूरिन ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में आप 5 ml यूरिन लेके आप उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हीट करेंगे। इसको हीट करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे क्लाउडनेस को, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लाउडनेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि दोस्तों जो यूरिन में हमको क्लाउडनेस होती है, ऑब्जर्व होती है, वो किस किस कारण से ऑब्जर्व हो सकती है। या तो उसमें नॉर्मली जो प्रोटीन एल्बुमिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर उसमें दोस्तों कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है या फॉस्फेट प्रेजेंट हो सकता है, इस कारण से हमको वो क्लाउडनेस शो होगी। या फिर दोस्तों न्यूक्लियो प्रोटीन के प्रेजेंस होने के कारण क्लाउडनेस शो करेगा, या फिर उसमें म्यूसिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा यूरिन में तो क्लाउडनेस शो करेगा। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, या तो प्रोटीन नॉर्मली जो एल्बुमिन प्रोटीन की प्रेजेंस में हमको क्लाउडनेस यूरिन शो करेगा, या फिर कार्बोनेट की प्रेजेंस में, या फॉस्फेट की प्रेजेंट में, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन की प्रेजेंस में, या फिर म्यूसिन की प्रेजेंस में। अब हमने सबसे पहले लिया दोस्तों 5 ml यूरिन को, हमने हीट करा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हमने उसको ऑब्जर्व किया क्लाउडनेस को। अब हमको पता है कि क्लाउडनेस हमको किस किस कंडीशन में दोस्तों ऑब्जर्व हो सकती है, कार्बोनेट की कंडीशन में, नॉर्मल प्रोटीन की कंडीशन में, फॉस्फेट की कंडीशन में, न्यूक्लियो प्रोटीन की कंडीशन में, या म्यूसिन की कंडीशन में। अब हमने यहाँ तक हीट कर लिया दोस्तों 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, फिर हमको क्या करना है, उसमें हमने टू टू थ्री ड्रॉप यानी 2 से 3 ड्रॉप आपको एसिटिक एसिड की दोस्तों उसमें ऐड करना है, जो हमने 60 डिग्री पर दोस्तों यूरिन को हीट किया था उसमें फिर हमको एसिटिक एसिड 2 से 3 ड्रॉप उसमें ऐड करना है। अगर हमें दोस्तों क्लाउडनेस दिखती है इस ऐड करने के बाद भी, अगर हमको क्लाउडनेस दिखती है या डिसअपेयर होती है, अगर हमने डायरेक्ट क्या करना है इसमें 2 से 3 ड्रॉप जैसे ही हीट एसिटिक एसिड की डाली दोस्तों, और एसिटिक एसिड की डालने के बाद अगर ये डिसअपेयर हो गया, जो हमको क्लाउडनेस आई थी वो डिसअपेयर यानी गायब हो जाएगी, तो वो किस कारण से गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें या तो कार्बोनेट प्रेजेंट होगा या फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। क्यों, कार्बोनेट दोस्तों और फास्फेट एक ऐसे होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और अब हम इसमें दोस्तों क्या ऐड कर रहे थे, एसिटिक एसिड ऐड कर रहे थे, जिस कारण से ये कार्बोनेट अगर प्रेजेंट था और फास्फेट प्रेजेंट था तो ये कैसा हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और हमको दोस्तों क्लियर यूरिन आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हमने हीट जो एसिटिक एसिड डाल लिया था और क्लाउडनेस हमें अभी भी दोस्तों बनी हुई है, और जब क्लाउडनेस जब बनी रहेगी तो फिर हम उसको
क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फिर हम उसमें क्या डालेंगे, नाइट्रिक एसिटिक एसिड की डालेंगे। जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड की एसिड अगर हम उसमें डालते हैं और फिर अगर क्लाउडनेस चली जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, तो वो किस कारण से डिसअपेयर होगी, अगर उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट था या फिर म्यूसिन प्रेजेंट था, इनकी प्रेजेंस अगर हुई, इनके कारण से क्लाउडनेस यूरिन हुई, तो ये दोस्तों नाइट्रिक एसिड डालते ही ये कैसा हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर ये दोस्तों क्लाउडनेस बनी हुई है, प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट होने के केस में नाउ बॉयल उसको हम फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोस्तों किस डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको उसको फिर बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद अगर क्लाउडनेस चली जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, तो वो दोस्तों और क्लाउडनेस फिर डिसअपेयर होगी, और जब हम कूल करेंगे उसको, यानी ठंडा करेंगे, तब भी अगर डिसअपेयर होती है, और जैसे ही फिर वो हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों वो टेम्परेचर पे आता है, या डबल से हम उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके देखते हैं, हीट करके देखते हैं, और फिर क्लाउडनेस दोस्तों हमको क्या रीअपेयर हो जाएगी, यानी क्लाउडनेस जब भी अगर 60 डिग्री पर फिर से आ जाती है, तो फिर हम क्या मान लेंगे कि बेन जोन्स प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, प्रोसीजर बहुत मेन है। प्रोसीजर में हमने क्या किया था, 5 ml आपको दोस्तों एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन ली। सबसे पहले हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब थी उसमें दोस्तों 5 ml हमने यूरिन ले ली थी, और यूरिन लेने के बाद फिर हमने उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया था, हीट किया था। हीट करने के बाद फिर क्या हो रहा था, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे क्लाउडनेस। अब क्लाउडनेस दोस्तों किस कारण से यूरिन में प्रेजेंट हो सकती है, या तो नॉर्मली उसमें एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण, कार्बोनेट या फॉस्फेट प्रेजेंट होने के कारण, या न्यूक्लियो प्रोटीन या म्यूसिन की प्रेजेंट, इन कारणों के कारण दोस्तों वो कैसा हो सकता है, क्लाउडनेस यूरिन हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम फिर दोस्तों 2 से 3 ड्रॉप अगर एसिडिक एसिड ऐड करते हैं उसमें, और वो क्लाउडनेस चली जाती है, जो उसमें ही हमने, जैसे ही हमने एसिडिक एसिड डाला और क्लाउडनेस अगर चली जाती है, तो हम क्या मान लेंगे कि उसमें शायद वो कार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण या फॉस्फेट की प्रेजेंस के कारण उसमें क्लाउडनेस थी। लेकिन हमने एसिटिक एसिड डाल लिया, एसिटिक एसिड डालने के बाद भी दोस्तों अगर क्लाउडनेस बनी हुई है, फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप दोस्तों हमें नाइट्रिक एसिड की उसमें ऐड करते हैं। नाइट्रिक एसिड की अगर ऐड करने के बाद उसमें क्लाउडनेस अगर उसकी चली जाती है, जो क्लाउडनेस बनी हुई थी यूरिन में, तो हम क्या मान लेंगे कि उसमें या तो न्यूक्लियो जो प्रोटीन है उसके कारण क्लाउडनेस थी, या म्यूसिन की प्रेजेंस के कारण उसमें क्लाउडनेस थी। लेकिन दोस्तों हमने 2 से 3 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डाल लिया, फिर भी अगर क्लाउडनेस नहीं जा रही है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, और बॉयल कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद उस वो क्लाउडनेस थी वो चली जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, और वैसे ही दोस्तों जैसे हम उसको कूल करते हैं और 60 डिग्री के टेम्परेचर पर जैसे ही वो यूरिन आती है, तो उसमें रीअपेयर क्लाउडनेस हो जाती है, यानी क्लाउडनेस वापस आ जाती है। यही इसका प्रिंसिपल और एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करता है बेन जोन्स प्रोटीन का, जो आइडेंटिकल दोस्तों ये टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आजकल दोस्तों हम जो यूज करते हैं बेन जोन्स प्रोटीन को कन्फर्मेटरी टेस्ट के रूप में, वो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का हम यूज करते हैं। ये सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में दोस्तों इसका यूज करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये तो आइडली था, जो बेन जोन्स यूरिन में हम डिटेक्ट कर रहे थे, ये आइडली दोस्तों प्रोसीजर था। लेकिन अगर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट यहां पे जानना है, तो बीजीपी सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं। ये पूरा दोस्तों स्टेप आपको, मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए, जब ही आप इसको दोस्तों डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर दोस्तों
हमारा मेनली इसका जो प्रोसीजर आपको समझाना था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन या तो उसमें जो केमिकल यूज होते हैं एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में, आपको कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन कौन से केमिकल हम यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों केमिकल उसमें आपको याद रखना है। साथ ही इसका कन्फर्मेटरी बीजीपी टेस्ट का कौन सा होता है, तो आपको सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का याद रखना है, और प्रोसीजर तो आपको फॉलो यहाँ पे करना ही है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों टेम्परेचर हम यूज करते हैं ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। और नॉर्मली जो लेबोरेटरी के अंदर दोस्तों वर्क करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसीजर फॉलो करना, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इसको पता होना। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको दोस्तों ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही शानदार लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।